हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो आज है डे 5, ठीक है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा लेग्स का वर्कआउट, और वो भी नेक्स्ट लेवल वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मेरे रिजल्ट नहीं आते। तो रिजल्ट के लिए आज बहुत ही तगड़ा वर्कआउट होगा, नेक्स्ट लेवल का लेग्स वर्कआउट का। लेग्स मेरे भी वीक है, थोड़े से अपर से वीक है, अपर बॉडी मेरी थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वजह से मेरे लेग्स वीक लगते हैं, और नेचुरल बॉडी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी आप जिम गए 3-4 महीने और आपकी बॉडी बन गई, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और मैं कर रहा हूँ पैकिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे जिम में ना इतनी मशीनें नहीं हैं, और आपको पता है कि लेग्स मेरी फेवरेट मसल है और मैं उसको मिस नहीं करता, और मुझे चाहिए मशीनें, मुझे चाहिए थोड़ा सा। मैं एसी में करता हूँ वर्कआउट, और जहाँ मैं जा रहा हूँ जिम वहाँ पर थोड़ा सा एसी भी कम चलता है, तो पसीने आते हैं, तो पसीने में मेरे पे वर्कआउट नहीं होता है, ठीक है। और लोग करते होंगे बट मेरे पे नहीं होता वर्कआउट, मतलब सफोकेशन से होती है, चक्कर से आते हैं। और लेग्स वर्कआउट में मैं जितना वेट हैवी लगा सकता हूँ मैं उतना वेट लगाता हूँ हैवी, जितना वेट मैं लगा सकता हूँ, मतलब एंड तक जितनी मेरे अंदर जान है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पैकिंग, आज मैं पहनूंगा ये, ठीक है, ये निक्कर है अपनी छोटी सी, ठीक है, और ये टी शर्ट है, ये पावर बैंक रख लिया मैंने, मोबाइल ये रहा, और तुम्हारे घर भाई की वॉच ये रही, ये भाई टावल, भाई ये तो बहुत ज़रूरी है कंघी, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे वहाँ पे, गैलन, और भाई अपनी जिम की और सारी चीज़ें, ये रही मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हाथों का है भाई, ठीक है भाई, ये ग्रिप के लिए है लेग्स की, ये जो है भाई, ये बेल्ट है, और अपना कॉफ़ी के पैकेट है अपने, कोई दिक्कत नहीं है, और ये रहा सब आइटम, ठीक, प्रोटीन रखना है अभी। तो भाई मैं रेडी हो जाता हूँ, मुझे अक्षत को भी लेना है, और चलते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ मैं लेग्स का वर्कआउट, वहाँ पे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि बाइक से जाऊँगा फिर भाई धूल मट्टी में कपड़े गंदे हो जाएंगे, और शूज़ तुम्हारे भाई के ये रहे। तो बताना वीडियो कैसे लगी, मैं चलता हूँ फिर अक्षत को लेके, फिर अपना दिखाता हूँ आपको वर्कआउट आज का, लेग्स वर्कआउट हैवी। भाई तुम्हारा भाई पहुँच गया है जिम, अब होगा लेग्स का वर्कआउट हैवी बिल्कुल। अक्षत भाई आ जाए यार, भाई को फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं इंस्टाग्राम पे। भाई कह रहा है कि वीडियो तो बनाता हूँ कोई फॉलो नहीं करता, भाई फॉलो करो फटाफट से, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरी, साला तोड़ देना फॉलो का बटन इंस्टा पे, ठीक है। तो दिखा दूँगा अपना लेग्स का वर्कआउट। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं लेग एक्सटेंशन, इसका हम कर रहे हैं सबसे पहले वार्म अप, दो बार मैंने वार्म अप किया है, 20-20 के दो सेट लिए हैं, ठीक है, अच्छे से मेरी मसल वार्म अप हो जाए, फिर हम इसी से ही करेंगे अपना वर्कआउट स्टार्ट। देख लो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है, लाइट वेट से आपको वार्म अप करना है अच्छे से, हमारी जो मसल है वो अच्छे से अपना ब्लड सर्कुलेट हो जाए मसल पे, इंजरी होने के चांसेस ना रहे। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है हर एक्सरसाइज में, चाहे आप लेग्स करो, चाहे आप बाइसेप करो, चाहे आप ट्राइसेप करो। अब हमारा सेट स्टार्ट है, इसके हम लेंगे 3 सेट, 12, 10, 8। आप देख सकते हो मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, फील करके, स्क्वीज करके, इसी तरह से आपको लगानी है एक्सरसाइज। जल्दी जल्दी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि मसल पे पूरा कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए, बिल्कुल स्क्वीज होनी चाहिए पूरी मसल, तभी आपके रिजल्ट आएंगे, क्योंकि लेग्स एक बड़ी मसल है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी लेग एक्सटेंशन, ठीक है, देख लो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, 3 सेट लेने हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी है वो है लेग कर्ल, इसके भी हम लेंगे 3 सेट, 12, 10, 8। पहला सेट हमारा होगा 12 का, दूसरा 10 का, और तीसरा 8 का। तो 3 सेट लेंगे, 12, 10, 8। तो वेट अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, वेट अपने हिसाब से आपको लिफ्ट करना है, कॉन्ट्रैक्शन फील होना चाहिए मसल पे, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक आपके रिजल्ट भी नहीं आएंगे बढ़िया, आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो आराम से कॉन्ट्रैक्ट करके, फील करके, मसल माइंड कनेक्शन के साथ अपना वर्कआउट किया करो लेग्स का, लेग्स की बड़ी मसल है। थर्ड एक्सरसाइज जो हमारी है वो है लेग प्रेस, इसमें मेरी लेग थोड़े से ऊपर है, क्योंकि क्वाड्स और हैम्स दोनों पे आएगा, ठीक है। तो देख लो मैं किस, इसमें हम लेंगे 4 सेट, 12, 10, 8, 6, ठीक है, वेट इंक्रीज करते हुए जाना है। आप देख लो मैं किस तरह से कर रहा हूँ एक्सरसाइज, ये देखो, फील करके आराम आराम से, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज नहीं करनी है, फील करके आराम आराम से।
64 लेंगे, 12 10 8 6, ठीक है, वेट अपने अकॉर्डिंग। ये नहीं कि कोई कोई वेट मार रहा है हैवी, तुम भी देख के जिम में किसी को देख के वेट मार रहे हो हैवी, नहीं, अपने हिसाब से मारो और धीरे धीरे वेट बढ़ाओ, रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आएंगे आपके इस तरह से आप करोगे तो। तो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, ठीक है, आप देख लो। फोर्थ एक्सरसाइज जो हमारी है वो है सुमो स्क्वाट्स, इसके भी हम लेंगे 4 सेट, रेपिटेशन होंगे हमारे 12 10 8 6। देखो मैंने साइड में लिखा हुआ है येलो कलर में आ रहा होगा, सेट्स 4 रैप्स 12 10 8 6। तो बेल्ट मैंने बांध रखी है क्योंकि मेरी बैक में पेन हो रहा था, तो सेफ एंड सिक्योर साइड कि अपना वेट भी लिफ्ट कर पाऊँ और बैक में पेन भी ना हो और मेरा जो सेट है वो अच्छे से अपना मैं वर्कआउट कर पाऊँ, अच्छे से अपना सेट कंप्लीट कर पाऊँ मतलब। तो देख लो नीचे आके मैं कुछ सेकंड होल्ड कर रहा हूँ, ये देखो जल्दी जल्दी नहीं कर रहा एक्सरसाइज, अपना फील करके मसल पे जितना कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतनी जल्दी हमारे रिजल्ट आते हैं, और लगे बड़ी बड़ी मसल है तो फील करके आराम से करो एक्सरसाइज, अपना वेट अपने अकॉर्डिंग, धीरे धीरे इसमें वेट इंक्रीज़ करना है, हर सेट में वेट इंक्रीज़ करना है आपको अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने शायद 20 या 35 किलो या 40 किलो का डंबल ले रखा है मैंने यहाँ पे, और आप देख सकते हो मैं नीचे कुछ सेकंड होल्ड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी काफ्स की, आप देख सकते हो इसके भी मैं ले रहा हूँ 3 सेट, 20 20 18, देख लो मैं लिखा हुआ है साइड में, ठीक है, सीटेड काफ्स है ये, सेट्स 3 है और रेपिटेशन 20 20 18, पहला सेट 20 का होगा, दूसरा सेट भी 20 का होगा और तीसरा सेट 18 का होगा। ये है हमारी स्टैंडिंग काफ्स, इसमें हम लेंगे सेट्स 3, ठीक है, और रेपिटेशन लिखे हुए हैं साइड में आप देख सकते हो, ठीक है, 15 12 10, कुछ सेकंड ऊपर आके होल्ड करना है, ये देखो ये इस तरह से आराम आराम से करनी एक्सरसाइज सारी, आराम आराम से करोगे ना फील करके स्क्वीज करके तो आपके रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया आएंगे, बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट लेवल वाले। यही चीज़ होती है नोटिस करने की कि आप वर्कआउट कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। और इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है हमारी लंजेस, वॉकिंग लंजेस है, ठीक है, और इसके हम लेंगे सेट्स 3 और इसमें आपको जाना है और आना है, जो भी आपका डिस्टेंस होगा जिम का ही लंबा। तो यहीं करते हैं एंड, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो बताना कैसे लगी, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पेज पे। सो बाय गाइस, मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।